अक्षय सारा और धनुष के अतरंगी रे ने बनाया रिकॉर्ड, डिज्नी हॉटस्टार पर सबसे ज्यादा देखी गई फिल्म। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड डॉम पर। इस फिल्म में ड्रामा काफी है, लेकिन भावनाओं को लगता है कि दरकिनार कर दिया गया है। बावजूद इसके इस फिल्म को डिज्नी हॉटस्टार पर सबसे ज्यादा देखा गया है। अक्षय सारा और धनुष की फिल्म अतरंगी रे काफी समय से चर्चा में थी। इस फिल्म को 3 प्रोडक्शन हाउस ने मिलकर प्रोड्यूस किया है, ई सीरीज, कलर येलो प्रोडक्शन और केप अप गुड फिल्म्स। अक्षय सारा और धनुष की हालिया रिलीज फिल्म अतरंगी रे की कहानी भी नाम के मुताबिक अतरंगी ही है। बावजूद इसके ये फिल्म डिज्नी हॉटस्टार पर सबसे ज्यादा देखी गई फिल्म बन गई है। इस फिल्म के निर्देशक आनंद एल राय ने एक निर्देशक के तौर पर रांझना, तनु वेट्स मनु रिटर्न्स जैसी हिट फिल्में दी हैं। इन सभी फिल्मों की कहानी हिमांशु शर्मा ने लिखी थी। ये सभी कहानियां छोटे शहर और वहां होने वाली शादियों के इर्द गिर्द ही रही है। और अब अतरंगी रे में अक्षय सारा और धनुष की तिकड़ी से सजी ये फिल्म डिज्नी हॉटस्टार पर 24 दिसंबर को रिलीज हुई थी। हालांकि इस फिल्म का ट्रेलर लोगों को काफ़ी पसंद आया था, लेकिन फिल्म की कहानी भी टाइटल के मुताबिक ही है। ये कहानी बिहार की सिवान पर आधारित है, जहां एक घर से भागी रिंकू सारा अली खान और उनके पीछे पीछे भाग रहे रिश्तेदार से होता है। वो शादी नहीं करना चाहती है, लेकिन आखिर में उन्हीं रोमांस और शादी के पचड़ों में फंस जाती है। हालांकि जिस मुद्दे को आधार बनाकर ये फिल्म बनाई गई है, यानी पकड़वा विवाह, अंतरजातीय विवाह, ऑनर कॉलिंग, मानसिक बीमारी जैसे मुद्दे, लेकिन इन सभी मुद्दों के साथ ना तो फिल्म में लेखक हिमांशु और ना ही निर्देशक आनंद एल राय न्याय कर पाए हैं। इस फिल्म में ड्रामा काफ़ी है, लेकिन भावनाओं को लगता है दरकिनार कर दिया गया है। बावजूद इसके इस फिल्म को डिज्नी हॉटस्टार पर सबसे ज़्यादा बार देखा गया है। ये एकदम नई फिल्म है, जो कि रिलीज होने के साथ ही नए नए रिकॉर्ड्स अपने नाम करती जा रही है। रिलीज के दिन ही इस फिल्म को देखने वालों ने नया रिकॉर्ड सेट कर दिया था। इस फिल्म को आप एक्टिंग के लिहाज से तो थोड़ी देर के लिए देखने जा सकते हैं, लेकिन जिस कहानी को देखने आप जाएंगे, वो कहानी आपकी भी पकड़ से कोसों दूर नजर आएगी। ये एक वन टाइम वॉच फिल्म है, जिसे दोबारा देखने का शायद ही आपका मन करे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक अतरंगी रे नहीं देखी है तो जल्दी से देख लीजिए। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।